हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेवी कर्व मेथड एंड पॉलीनोमियल इनइक्वालिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटी देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो पार्ट है वो हम देखने वाले हैं पार्ट फोर, वेवी कर्व मेथड एंड पॉलीनोमियल इक्वेशन। और इस टाइप की इक्वेशन की हम इनइक्वालिटी निकालेंगे और चेक करेंगे कैसी क्या होती। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं वेवी कर्व मेथड से इक्वेशन को, हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है फैक्टोरियल द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लीनियर फैक्टर में करना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स, ये एक्स के पद में यानी पावर वन हो, इस टाइप लिखना होगा। दूसरी पॉइंट है मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स एज वन, ठीक। तीसरा है प्लॉट रूट ऑफ ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको दिखाना होगा। फिर मेक डॉट और सर्कल, ये लाइन दिखा दिए फिर उस पर डॉट रहेगा कि सर्कल, ये दिखाना होगा। फिर पुट साइन, पुट साइन मतलब ये प्लस ए निगेटिव ए प्लस, ये दिखाना होगा। इफ़ पावर इवन, एक बात और समझ लीजिए, इफ पुट साइन में दिख रहा है इफ पावर इवन द साइन विल बी रिमेन सेम। जब साइन उसकी जो है पावर जो है वो इवन रहेगी तो उसका जो साइन है वो सेम रहेगा। इसको हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपका क्लियर डाउट हो जाएगा। इफ पावर ऑड साइन विल बी चेंज, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन या इस तरह से, रुक जाइए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर रहेगा तो हमारे साइन जो है यहाँ पर सेम रहेगी। इवन साइन है ना, इसकी पावर इवन है तो यहाँ पर साइन चेंज हो सेम रहेगी, जब ऑड रहेगा तो वहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं पॉलीनोमियल इस इक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड के थ्रू। तो चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए यक्स कामन मिल रहा है तो यक्स कामन लेंगे, यक्स कामन ले लेंगे तो यक्स माइनस टू होगा ग्रेटर देन जीरो, एक होगा जीरो, एक होगा जीरो और एक है माइनस टू ग्रेटर देन लेस देन जीरो। तो इसको हम लाइन पर दिखा देते हैं, लाइन पर इसको, इसने लाइन खींच ली हमने, जीरो हमारे पास यहाँ होगा और ये माइनस टू है यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव टू में। अब इसको डॉट दिखाएंगे कि सर्कल, पॉइंट याद है ना वेवी कर्व मेथड का, पॉइंट दिखाएंगे कि सर्कल, पॉइंट कब दिखाते हैं सर्कल कब दिखाते हैं, जब इक्वल टू लगा रहता है तो हम डॉट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डॉट और यहाँ पर भी हो जाएगा डॉट, जब केवल ग्रेटर देन या लेस देन रहेगा तो सर्कल दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, जीरो से छोटी होनी चाहिए, जीरो से छोटी मतलब इसकी साइन पहले दिखा लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू जो है जीरो से छोटी होनी चाहिए। छोटी से मतलब जीरो से छोटा क्या हो सकता है, माइनस में, तो माइनस वाली ये वैल्यू जो है हमारी वो माइनस में, तो ये हो जाएगी इसकी इनइक्वालिटी। इसको लिखेंगे कैसे, यक्स बिलोंग टू जीरो कामा टू, क्या लगेगा क्लोज इंटरवल या ओपन, क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है और हमने डॉट से इसे डिनोट किया था, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला है वो मिला है क्लोज इंटरवल साथ जीरो कामा टू, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी क्लोज इंटरवल में जीरो कामा टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, यक्स कोष्टक में जो यक्स माइनस टू, दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें से सी वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया, इस क्वेश्चन को हमें इनइक्वालिटी निकालना है, ये तो सिंपल सा है, केवल इसके डॉट लाइन पर दिखाना है, डॉट लाइन हमने खींच लिया,
इसके बाद क्या करते हैं, यक्स माइनस टू होगा जो कि प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू हम यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस टू है, और ये माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री यहाँ पर होगा, ठीक। और एक ज़ीरो होगा, यक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर होगा ज़ीरो हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं हम सर्कल बनेगा कि डॉट बनेगा, इक्वल टू है तो यानी डॉट बनेगा, तो हम यहाँ पर डॉट बना लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर इसको साइन दिखा देते हैं, प्लस, पहले प्लस होता है फिर माइनस, सबकी पावर वन है, सबकी पावर वन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम उसी तरह लिख देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी पॉजिटिव वैल्यू इसको चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इधर हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव है, यानी माइनस माइनस थ्री से ज़ीरो एक क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल टू है। फिर दो से इनफाइनाइट, इधर दो से इनफाइनाइट, लेकिन नोट में हमने बताया था जब इनफाइनाइट लगता है तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरवल रहेगा और एक क्लोज रहेगा, इसके बीच में यूनियन रहता है, इन दोनों का यूनियन है और यक्स बिलोंग। इसका फाइनल आंसर ए आ गया, क्या है, माइनस थ्री क्लोज इंटरवल में, माइनस थ्री से ज़ीरो क्लोज इंटरवल यूनियन, क्लोज इंटरवल दो से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में रहता है, दैट इज आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया वो माइनस थ्री से ज़ीरो और दो से इनफाइनाइट तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं एक इवन वाला, जो इस पावर जिसकी इवन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा। तो सेम इसको चलिए हम कॉपी पर सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो आएगा देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसको हम डॉट लाइन पर कैसे दिखाते हैं, देखिए एक्स माइनस फोर है यानी प्लस फोर आएगा यहाँ पर, और एक्स प्लस सिक्स है यानी माइनस सिक्स आएगा, तो माइनस सिक्स यहाँ पर ले लेते हैं, और ये माइनस वन है तो यानी ये प्लस वन यहाँ पर हम ले ले रहे हैं, और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो को हमने यहाँ पर ले लिया। पहले क्या होगा, पहले पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा, एक्स फोर कहाँ से आया, फोर यहाँ से आया, जिसकी पावर क्या है, दो है, तो यानी साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, इसके बाद सबकी पावर चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू या डॉट लगाएंगे, ग्रेट इक्वल टू जब रहता है तो डॉट लगाते हैं। वैल्यू क्या चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है यानी माइनस वाली वैल्यू चाहिए, माइनस वाली वैल्यू एक ये है और एक इधर ये है, और ये देखिए डॉट लगा है ना, ये भी रहेगा, लेकिन इसको व्यक्त कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ए आएगा माइनस इनफाइनाइट से सिक्स तक, माइनस इनफाइनाइट से सिक्स तक, और ये इनफाइनाइट वाला जो है ए ओपन इंटरवल रहेगा, एक क्लोज इंटरवल यूनियन, और ये ज़ीरो से वन, और ए इसको हम इस तरह लिखेंगे फोर को, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का हमने देखा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिसमें माइनस इनफाइनाइट से माइनस सिक्स, यूनियन ज़ीरो से वन और फोर, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की इसकी जो टॉपिक्स और हैं उसको हम देखेंगे, इनइक्वालिटी, आज हमने इस वीडियो को कवर किया, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।